उसकी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो एट मोलर राइट आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट के वैल्यू आपके पास टू पॉइंट फाइव इन टू टेन टू पर माइनस फाइव गिवन है ठीक है आपसे पहले पूछा गया है कि आपको उसका पी एच बताना है देन उसकी जो डिसोसिएशन हो रही है ठीक है हाइपोक्लोरस एसिड की वो कितनी परसेंट हो रही है ये भी आपने बताना है राइट right? सो so, पहले हम इसकी रिएक्शन देखेंगे हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड एच ओ सी एल प्रेजेंट है राइट right? आपने क्या किया इसको वाटर में डिजोल्व किया राइट right? सो so, जब आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो यहां से एच पॉजिटिव आयन आएंगे हाइपोक्लोरस एसिड से एच पॉजिटिव आयन आएंगे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोनियम आयन्स जो है वो फॉर्म करेंगे राइट right? नाउ ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है इसमें से अब बेस कौन सा निकल आएगा सी एल ओ नेगेटिव ओके okay. अब इनिशियल कंसेंट्रेशन हम अज्यूम करते हैं कि हाइपोक्लोरस एसिड की जब डिसोसिएशन नहीं हुई है तब सी थी वाटर की हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वाटर जो है वो प्योर कंपाउंड है और प्योर कंपाउंड्स की हम कभी भी कंसेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम में मेंशन में नहीं करते हैं ठीक है अभी डिसोसिएशन नहीं हुई है इसलिए हाइड्रोनियम आयंस कितने हैं जीरो मोल बन रहे हैं और क्लो नेगेटिव ये भी हमारे पास जीरो मोल आयंस बन रहे हैं ठीक है फिर इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गई मतलब अब डिसोसिएशन जो है वो हो चुकी है अल्फा मोल ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो डिसोसिएट हुए और सी एल ओ नेगेटिव आयंस में ठीक है और उन्होंने अल्फा जो था हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना दिए और अल्फा ही सी एल ओ नेगेटिव आयन बना दिए ठीक है विद रिस्पेक्ट टू द दंसनट्रेशन सी तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये कंसनट्रेशन सी अल्फा आ गई और ये भी कंसेंट्रेशन सी अल्फा आ गई अब हमारे पास एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेनिंग हाइपोक्लोरस एसिड कितने बचे हैं अब मैंने ये ज्यूम किया है कि हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन सी थी ठीक है उसमें से अल्फा जो है वो डिसोसिएट हो गए विद रिस्पेक्ट टू दी कंसेंट्रेशन सी ठीक है तो मेरे पास बाकी कितने बचे टोटल माइनस जो डिसोसिएट किए राइट तो इसको हम सी को कॉमन निकाल लेते हैं तो इट विल बी वन माइनस एल्फा आ गया राइट right? अब हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट देखना है सो उसका फॉर्मूला क्या आता है के ए इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है प्लस सी नेगेटिव आयन है डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड ओके सो के ए इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितनी है सी एल्फा और सी एल ओ नेगेटिव की भी सी एल्फा आ रही है सो so, आपने दोनों लिख ली राइट right? और हाइपोक्लोरस एसिड इज सी वन माइनस एल्फा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो सो के ए इक्वल टू सी स्केयर अल्फा स्केयर बाय सी वन माइनस एल्फा आ गया सी के साथ सी स्केयर कैंसिल कर दिया सो यू आर हैविंग वन सी ओनली एल्फा स्केयर बाय वन माइनस एल्फा आ गया अब हम वैल्यूज पुट करेंगे मेरे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ठीक है उसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है दैट इज टू पावर इसका मतलब डिसोसिएशन बहुत कम हुई है अगर डिसोसिएशन बहुत कम हुई है तो ऑब्वियसली ये जो डिनोमिनेटर में अल्फा आ रहा है इसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ राइट यू कैन राइट के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्कन होगा तो वन अगर आप जिस भी टर्म के साथ डिवाइड करते हो तो सेम ही टर्म आती है ओके okay, सो so अब आपने अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है तो अल्फा स्केयर आप एक साइड रखोगे ये जो सी है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा सो के ए बाय सी आ गया राइट right? अब हमने इसका जो स्केयर है उसको सॉल्व करना है तो अगर मैं दोनों साइड स्केयर रूट लेती हूँ तो ये स्केयर जो है अल्फा का वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा सो इट विल बी एल्फा इक्वलर टू अंडर रूट के ए बाय सी आ गया वैल्यूज पुट करेंगे सो एल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए की वैल्यू टू पॉइंट ले रहे हैं राइट right? तो जब आपने टू पॉइंट फाइव को जीरो पॉइंट जीरो के साथ डिवाइड किया तो यू गेट थर्टी वन पॉइंट टू फाइव इन टू टेन रेज टू पार माइनस फाइव डन अब हम इसका जो ये स्केयर रूट है ये सॉल्व करेंगे ठीक है रूट करने से पहले ये जो हमारे पास डेसिमल है ठीक है इसको मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूंगी तो ऑब्वियसली वन डिजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसलिए इन टू टेन हो जाएगा या आप अगर सिंपल वर्ड्स में कहो तो अगर मैं थ्री पॉइंट वन टू फाइव को टेन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास थर्टी वन पॉइंट टू फाइव आ जाएगा राइट So, यहां पे पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है तो ये ऐड हो जाएंगी यहाँ पे टेन है एल्फा इक्वल टू थ्री पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन रेस टू पार वन माइनस फाइव देन एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अंडर रूट रेज टू माइनस फोर ठीक है क्योंकि माइनस वाली टर्म बड़ी है राइट तो अब हम इसका जो स्क्र रूट है वो सॉल्व कर सकते हैं तो जब हमने इसका स्क्यर रूट सॉल्व किया तो यू गेट वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन रेज टू पार माइनस टू ठीक है मैंने स्केयर रूट करना जो है वो भी सिखाया हुआ है अगर आपको नहीं आता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वो फाइंड आउट कर सकते हो ओके okay, तो अब हमारे पास एल्फा की वैल्यू आ गई है अब हमने जो हाइड्रोनियम आयन है ठीक है पहले उनकी कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है ठीक है तो हमने इक्वेशन में ये देखा है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट है तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो सी एल्फा प्रेजेंट है ठीक है तो सी इज कंसेंट्रेशन जीरो पॉइंट जीरो एट एल्फा हमारे पास वन पॉइंट सेवन सेवन इंटू टेन रेस टू पार माइनस टू राइट ये मोलर आ जाएगा ओके okay, तो जब आपने जीरो पॉइंट मल्टीप्लाई किया तो यू गेट जीरो जो डेसिमल है इसको हम लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस कर रहे हैं ठीक है एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो पावर जो है वो माइनस में आएगी एक डिजिट डिस्प्लेसमेंट है इसलिए माइनस वन हो जाएगा So, 1 into 10 raise to power minus 1 आ गया into 10 raise to power minus 2 molar. दोनों पावर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी माइनस वन माइनस टू दैट विल बी टेन रेज टू पार माइनस थ्री सो आपके पास जो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन है वो कितनी आ रही है दैट इज वन पॉइंट फोर वन सिक्स इंटू टेन रेज टू पार माइनस थ्री मोलर राइट अब हमने फाइंड आउट क्या करना है हमने पीएच फाइंड आउट करना है सो पी एच का फॉर्मूला क्या था नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयंस आपके पास जितने भी हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है उनका नेगेटिव लॉग ले लो आपके पास पीएच आ जाएगा सो हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू पुट कर दो माइनस लॉग ऑफ वन पॉइंट फोर वन सिक्स इन टू टेन रेज टू पार माइनस थ्री अब ये लॉग जो है फिर से हमने सॉल्व करना है सो so, हम इसको रफ में सॉल्व करके देखते हैं लॉग ऑफ वन पॉइंट फोर वन सिक्स इन टू टेन रेस टू पार माइनस थ्री ठीक है एम इन टू एन वाला फॉर्मूला लग रहा है तो so, ये हमारे पास एम प्लस एन हो जाएगा सो इट विल बी लॉग वन पॉइंट फोर वन सिक्स प्लस टेन रेस टू पार माइनस थ्री आ गया अब ये जो है एम पावर एन वाला फॉर्मूला है ठीक है तो आप साइड पे फॉर्मूला लिख सकते हो लॉग एम इन टू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस एन ठीक है लॉग एम पावर एन वाला फॉर्मूला एन लॉग एम आ जाएगा ओके नाउ लॉग वन पॉइंट फोर वन सिक्स ठीक है एंड ये पावर आगे आ गई सो माइनस थ्री लॉग टेन आ गया लॉग टेन की वैल्यू हमारे पास वन आती है ठीक है एंड लॉग वन पॉइंट फोर वन सिक्स दैट इज जीरो पॉइंट वन फाइव वन ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर लो माइनस थ्री इंटू वन जीरो पॉइंट वन फाइव वन आ गया ठीक है एंड माइनस थ्री इंटू वन दैट मीन्स माइनस थ्री सो एज इट इज माइनस अब ये दोनों वैल्यूज के जो साइन है वो डिफरेंट है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे माइनस वाली टर्म बड़ी है इसीलिए आंसर माइनस में आएगा सो माइनस टू पॉइंट एट फोर एट आ गया राइट right? अब हम वैल्यू पुट करेंगे पीएच इक्वल टू माइनस माइनस टू पॉइंट एट फोर एट आ गया ओके सो माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा सो पीएच इक्वल टू टू पॉइंट एट फोर एट राउंड ऑफ करके इट इस � एट फाइव मतलब कि इस सोल्यूशन का पीएच कितना आ रहा है टू पॉइंट एट फाइव ये एसिडिक इन नेचर है राइट right? अब हम देखेंगे परसेंटेज डिसोसिएशन परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला इज़ हाइपोक्लोरस एसिड डिसोसिएटेड ओवर टोटल हाइपोक्लोरस एसिड ठीक है इन टू हंड्रेड परसेंटेज का अब हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड कितने डिसोसिएट हो रहे हैं वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है सो एच ओ सी एल डिसोसिएटेड इक्वल टू c अल्फा c अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 1.416 10 रेस टू पर -3 मोलर राइट एंड द टोटल हमारे पास जो हाइपोक्लोरस एसिड आ रही है दैट इज c और उसकी वैल्यू 0.08 मोलर गिवन है ठीक है तो अब आप परसेंटेज डिसोसिएशन देख सकते हो

अब आप इसको भी सिम्प्लीफाई करके लिख लो सो वन पॉइंट सेवन सेवन को अगर मैं टेन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास सेवनटीन पॉइंट सेवन आ जाएगा राइट right? एंड uh, ये हमारे पास पावर्स आ गई ये दोनों पावर्स टेन 10 और हंड्रेड ये पॉजिटिव है सो इट विल बी थाउजेंड थाउजेंड मतलब टेन रेज टू पार थ्री बन जाएगा ठीक है इन टू टेन रेज टू पार माइनस थ्री आ गया ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे सो so, आपके पास जो परसेंटेज आ रही है डिसोसिएशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड की दैट इज़ वन पॉइंट सेवन सेवन परसेंट